उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सिद्धपुर करबी में चल रही गौरी दूध डेयरी वाटर प्लांट के मालिक की लापरवाही से एक नवयुवक की बिजली की करंट से हुई मौत। बार बार कहने के बावजूद 440 वोल्टेज की तार 3 महीने से मृतक के खेत पड़ी थी। मृतक रघुनंदन प्रसाद पुत्र राम बहोरी की करंट लगने से मौत हो गई। योगी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं परिजन। चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। और इसके बाद हमें यही था, विश्वास था कि कटी है, तो मेरे भैया जब खेत में गए तो लाइट मतलब चालू हो गई थी, वो चोरी से फंसाए थे और किसी को बताया, किसी को भी जानकारी नहीं थी कि मतलब लाइट फिर से चालू हो गई है, जिससे बिजली के माध्यम में अनजान थे सभी लोग, अनजान करते हैं। और इसके पीछे साजिश तो बहुत थी, मेरे भाई से चिढ़ते भी थे कि ये साला मर जाए। तो ये आपका कहना है कि आपके भाई को साजिश के तहत मारा गया, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो मतलब कि जिस जो भी जो व्यक्ति साजिश में था उसको कुछ सजा मिले। हम लड़के के पिताजी हैं, राम बहोरी हमारा नाम है, और हमारा बच्चा खाद छींटने खेत गया तो बिजली की तार पड़ी थी, उसके करंट लग गया तो खत्म हो चुका। उस बिजली वाला जो फांसे हुए है उससे मैंने संदीप और मनीष उनसे कहा, हम जब आषाढ़ के तहत खेत में जोतने गए तब उससे कहा कि ये बिजली की तार अपनी समेट लो, तो कहें कि हाँ ठीक है भैया हम कल समेट लेंगे। तो फिर इसके बाद वो कटवा दिए हैं कनेक्शन वहाँ से, और यहाँ से जोड़े रह गए हैं अपने घर से। तार खेत में पड़ी रहने दी, तार खेत में पड़ी रहे वही तरह। तो हमारा बच्चा खाद छींटने गया तो हमें तो जानकारी नहीं है कि इसमें लाइट आया था कि नहीं, तो हम विश्वास था कि मतलब लाइट नहीं है, तार भर पड़ी है। तो हमारा बच्चा 20 साल का था, 14 में पढ़ता था, बड़ा बुद्धिमान था, और वो खाद छींटने गया तो खाद छींटते समय वो पैर में तार फंसी, और उसी समय वो जहाँ तार फंसी तहाँ करंट मार दिया, फड़ाक दे दिया गया, वहीं तसला पड़ा रह गया और वहीं वो खत्म हो गया। सुबह हमें पता चला, हमें जा रहा कि खाद छींट के आगे होगा कर भी चला गया होगा बाजार, तो हम शाम के गांव में देखे, गांव में हमें नहीं मिला, और सुबह देखे और पता किया, मोबाइल उसका टेस्ट किया तो घर में रखा है, कि मोबाइल लगावन तो बोल है तो मोबाइल घर में रखा है, तो फिर भैया भाई घर में रखा मोबाइल तो फिर ख्यात दिख गए, तो ख्यात जब देखने गए तो वह मरा पड़ा, तार फंसी पड़ी, बोर्ड कट गया था यहाँ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जथा उचित जो कार्रवाई है उसको करना चाहिए और उसको करे शासन, यहाँ रिपोर्ट लिख नहीं रहे हैं, उसका नाम दर्ज ही नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन में। तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वो तुम अपना बच्चा कोतवाली जाओ, अपना दफन अफन करो, और कोतवाली जाके फिर बाद में लिखाना 10-15 दिन बाद। अच्छा।